हमीरपुर में स्किल इंडिया रोजगार मेले का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी को बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस द्वारा दी जा रही प्रतिक्रियाओं पर पलटवार करते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इससे चुभन तो अवश्य हुई होगी, मगर ये सत्य है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेता जमानत पर हैं और कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को शर्मसार किया है। कि कांग्रेस को ये बात चुभी जरूर होगी, लेकिन ये बात सच्ची है। मुख्यमंत्री से लेकर कई लोग उनकी पार्टी में जमानत पर हैं। ऐसी सरकार जिसने प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जहां पर फॉरेस्ट गार्ड की हत्या करके पेड़ों पर लटका दिया जाता है, बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, युवाओं को नशे के कारण मौत के घाट उतार दिया जाता है, छोटे बच्चों का अपहरण करके हत्या कर दी जाती है, ये हिमाचल प्रदेश हमारा कभी नहीं था। ये 5 वर्षों में कांग्रेस ने बनाया है और एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री जमानत पर होकर प्रदेश का नाम और भी खराब कर रहे हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री जमानत पर क्यों है ये सभी जानते हैं और उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति भ्रष्टाचार के माध्यम से बनाई है, जिसके पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अब विषय से भटक रहे हैं। उन्हें किस बात का डर था कि उनको बेल लेनी पड़े? क्या ये कारण नहीं कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे? करोड़ों रुपए की जायदाद उन्होंने बनाई तो भ्रष्टाचार के पैसे से बनाई। जो व्यक्ति अपने नाम के आगे राजा लिखता हो और प्रजा को लूटता हो, वो आप ही समझ सकते हैं वो जमानत पर क्यों है। राहुल गांधी के हिमाचल दौरे को शुभ संकेत मानते हुए उन्होंने कहा कि राहुल के आने से निश्चय ही भाजपा प्रदेश में जीतेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं और कई आने वाले हैं। राहुल गांधी जी के चरण पड़े, वहाँ वहाँ कमल के फूल खिले। हिमाचल में आ रहे हैं, कमल का फूल खिलने की तैयारी है। कांग्रेस में बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, कईयों और की तैयारी है। प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार से व्यापारी को तंग करती है तो व्यापारी मजबूर हो जाता है, लेकिन मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को करों में राहत दी है, औद्योगिक पैकेज को बढ़ावा दिया है और हिमाचल को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। हम 2 महीने बाद जब सत्ता में आएंगे तो यहाँ पर उद्योगों के लिए और सहूलियत सुविधाएं देकर और नए उद्योग भी लाएंगे और पलायन को भी रोकेंगे।